हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज एसएससी ने एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो रिज़ल्ट आया हुआ था, तो उसका मतलब कि नंबर शो नहीं हो रहे थे, तो आज से नंबर शो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप उसको कैसे अपना नंबर देख सकते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि ssc.nic.in आपको क्रोम ओपन करना है, और क्रोम ओपन करने के बाद ये पेज को मतलब ये वेबसाइट को सर्च करना। सर्च करने के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। ओपन होने के बाद वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा और पासवर्ड और ये कैप्चा आईडी। ठीक है, कैप्चा फिल कर दीजिएगा। तो फिल करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आना है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद रिजल्ट और ये मार्क्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए हम क्लिक कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपका ऐसा पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ सिलेक्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ दिया हुआ है कॉन्स्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स CFEF और NIA SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एयर एग्जामिनेशन 2080। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये क्लिक हो मतलब कर दिए, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप आ जाएगा जो आप पहले से लॉगिन किए हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ ऐसे पेज ओपन होंगे। ऐसे पेज ओपन होने के बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना नंबर कैसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है स्कोर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपका पार्ट वन जो है, पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में इनका 18 नंबर आया हुआ है, और फिर पार्ट बी जो जनरल नॉलेज है उसमें 6 नंबर, और पार्ट सी जो है उसमें आया हुआ है 19 नंबर, और पार्ट डी इंग्लिश में 8 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप अपना नंबर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप यहाँ रॉ स्कोर, ठीक है, यहाँ रॉ स्कोर देख सकते हैं कि कितना है। तो रॉ स्कोर इनका 51 है, और नॉर्मलाइज जो फाइनल स्कोर है नॉर्मलाइज्ड के बाद, तो वो स्कोर 51.49924 है। ठीक है, इतना है। तो आप देख सकते हैं कि अपना आपका नॉर्मलाइज जो मार्क है वो कितना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिजल्ट चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट जरूर करें कि ये प्रॉब्लम है, उस कमेंट का सलूशन जरूर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।